विनती करके अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ। कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे बेच देते हैं और कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे खरीद लेते हैं। आपके थोड़े थोड़े फायदे के लिए मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, बस वही आपको सुना रही हूँ। कुछ लोग चंद पैसों की खातिर मुझे कत्ल खानों में बेच देते हैं। चार दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि मेरा हीमोग्लोबिन गलकर मांस से चिपक जाए। फिर मुझे घसीट कर लाया जाता है क्योंकि मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझ पर बहुत गरम गरम उबलता हुआ पानी डाला जाता है, मैं तड़प उठती हूँ। मेरा दूध पीने वालों, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मुझे कठोरता से पीटा जाता है ताकि मेरा चमड़ा आसानी से उतारा जा सके। मेरी दोनों टांगें बांधकर मुझे उल्टा लटका दिया जाता है, फिर मेरे बदन से सारा चमड़ा धीरे धीरे करके निकाल लिया जाता है। सुनो जीवधारियों, अभी भी मैंने प्राण नहीं त्यागे हैं। मैं कातर निगाहों से देखती हूं, शायद इन कसाईयों के मन में मनुष्यता का कोई जन्म हो, किंतु इस समय मुझसे पोषित होने वाला कोई भी मानव मुझे बचाने नहीं आता। मेरे चमड़े की चाहत रखने वाले तुष्ट कसाई मेरी जीवित अवस्था में ही मेरा चमड़ा उतार लेते हैं और तड़प तड़प कर मैं प्राण त्याग देती हूँ। इस पावन और पवित्र भारत भूमि पर क्या ऐसा कोई नहीं है जो धर्म और कानून का पालन करके मेरे प्राण बचाए? तुम्हारे द्वारा किए गए क्रूरतम अत्याचारों को सहकर भी मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूं। दोस्तों, अगर आप गौ माता से प्यार करते हैं और आपने गौ माता का दूध पिया, तो इस मैसेज को शेयर करके थोड़ा बहुत दूध का कर्ज आप भी उतार सकते हैं। गौ माता की ये पीड़ा जन जन तक पहुंचाने के लिए केवल 2 मिनट का समय निकालकर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।